दोस्तों अब तक इंडियन गवर्नमेंट ने रोड ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में कई सारे रिवॉल्यूशनरी रिफॉर्म लाए हैं और इन्हीं में से एक है फास्ट टैग सिस्टम, जिसने टोल टैक्स में हो रहे करप्शन को काफी हद तक खत्म कर दिया। इस रिफॉर्म ने हमारे डिजिटल इंडिया के सपने में काफी कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन दोस्तों ये तो बस एक ट्रेलर था, क्योंकि आने वाले कुछ ही सालों में एक ऐसा नया रिफॉर्म लाया जा रहा है जो हमारे देश के टोल टैक्स कलेक्शन सिस्टम को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर वो रिफॉर्म है क्या और वो मौजूदा टोल टैक्स सिस्टम को कैसे रिवोल्यूशनाइज कर देगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। The government is now looking to replace the FASTag with newer technologies. And with the new system which we are going to launch, we will see that the city area will be eliminated. लेकिन अब इस समस्या का समाधान भी सरकार ने ढूंढ लिया है, यानी इस चुनौती से भी हो सकता है बहुत जल्द आपको निजात मिल जाए। दोस्तों किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ वहाँ की सड़कों पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होती है। फिर चाहे वो प्रोड्यूसर्स को मार्केट तक, वर्कर्स को उनके जॉब डेस्टिनेशन तक, स्टूडेंट्स को स्कूल तक, या किसी पेशेंट को हॉस्पिटल तक पहुँचाना हो, रोड ट्रांसपोर्टेशन से कॉस्ट और समय दोनों में बचत होता है। रोडवेज यानी कि सड़क परिवहन ने हमारे भारत देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक बड़ा ही योगदान दिया है। आप इतिहास के सिल्क रूट को देखें, इसी रूट की हेल्प से भारत से मसाले और हर्ब्स जैसी चीजें पूरी दुनिया भर में पहुंच पाई थी, और बुद्धिज्म भी इसी सिल्क रूट की वजह से ही दुनिया में फैल सका था। और अगर हम इतिहास में सड़कों की बात कर ही रहे हैं, तो कोई GT रोड को भला कैसे भूल सकता है। भारत का ये सबसे पुराना और ऐतिहासिक रोड नेटवर्क आज भी हमारे बड़े बड़े शहरों के बीच इकोनॉमिक लिंक का काम करता है। दोस्तों आज भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है, जहां रोड की कुल लंबाई 5.89 मिलियन किलोमीटर है, और इसी रोड के जरिए देश के 64.5% गुड्स और लगभग 90% पैसेंजर्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। साथ ही दुनिया का पांचवा सबसे लंबा हाईवे प्रोजेक्ट इंडिया में ही मौजूद है, जिसे हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। दोस्तों इंडियन इकोनॉमी के ट्रांसपोर्टेशन मींस में रेलवे के बाद रोडवेज सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, जहां भारत की GDP का 4.8% सिर्फ रोड ट्रांसपोर्ट से आता है। आज हाईवे के एक्सटेंशन के लिए सरकार लगातार काम कर रही है, और आने वाले 2 सालों में देश के नेशनल हाईवेज को 25,000 किलोमीटर तक एक्सटेंड किया जा सकता है। अब दोस्तों इतनी तेजी से किसी भी देश का रोड नेटवर्क तभी इम्प्रूव हो सकता है जब उस देश का टोल टैक्स कलेक्शन सही से हो। लेकिन कुछ साल पहले तक इंडिया का टोल कलेक्शन सिस्टम बहुत बेकार होता था। इकोनॉमिक टाइम्स के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साल 2012 में सिर्फ टोल प्लाजा पर हुई देरी की वजह से इंडियन इकोनॉमी को 87,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, और ऐसे ही नुकसान हर साल होते रहते थे। 2016 में किए गए एक सर्वे के मुताबिक रोड की दुर्दशा और टोल प्लाजा पर टैक्स कलेक्शन में देरी होने से भारत की इकोनॉमी को लगभग $21.5 बिलियन का घाटा झेलना पड़ा। इससे इंडियन इकोनॉमी को नुकसान तो हो ही रहा था, साथ साथ एक्स्ट्रा फ्यूल की खपत के कारण इंडिया के बैलेंस ऑफ ट्रेड और फॉरेक्स रिजर्व पर भी बैड इम्पैक्ट पड़ रहा था। दोस्तों उस वक्त टोल कलेक्शन का प्रोसेस काफी स्लो होता था, क्योंकि टोल गेट पर मैन्युअली एक एक गाड़ियों की पर्ची काटनी पड़ती थी। साथ ही कोई डिजिटल रिकॉर्ड ना होने से मिडिल मैन इसमें खुलकर करप्शन कर रहे थे, जो कि रोड से आने वाले रेवेन्यू डेटा के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न था। दोस्तों टोल टैक्स से जनरेट होने वाला रेवेन्यू हमारे रोड नेटवर्क के डेवलपमेंट के लिए बेहद जरूरी है। रोड के डैमेज पार्ट्स को रिपेयर करना, नए रोड का कंस्ट्रक्शन करना और मौजूदा रोड के एक्सटेंशन में इसी रेवेन्यू का यूज किया जाता है। ऐसे में इसके मैनेजमेंट में अगर कोई हर्डल आता है, तो इसका सीधा असर हमारे रोड्स के डेवलपमेंट पर पड़ता है। दोस्तों साल 2013 से लेकर 2016 तक टोल गेट्स पर काफी ज्यादा फ्रॉड हुए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक टोल प्लाजाज जिन्हें गवर्नमेंट ने बनाया था, उनका रेवेन्यू डेटा तो नॉर्मल होता था, लेकिन जिन टोल प्लाजाज को प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने बनाया था, उनमें करप्शन बहुत ज्यादा होता था। वहाँ एक्चुअल डेटा की जगह फेक डेटा को दिखाया जाता था, और इस फ्रॉड के कारण गवर्नमेंट को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था। अब दोस्तों इन प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए हमें किसी ऐसे तरीके की जरूरत थी, जिससे टोल टैक्स कलेक्शन में ज्यादा टाइम न लगे और सरकार तक पहुंचने वाला टैक्स कलेक्शन डेटा एक्यूरेट हो। और इसी समस्या के समाधान के लिए लाया गया फास्ट टैग सिस्टम। जी हाँ, इससे न सिर्फ टोल कलेक्शन की स्पीड बढ़ गई, बल्कि सरकार तक रेवेन्यू डेटा एक्यूरेटली पहुंचने लगा। तो चलिए जानते हैं कि फास्ट टैग ने टोल कलेक्शन के सिस्टम को कैसे रिवोल्यूशनाइज कर दिया। दोस्तों फास्ट टैग टोल कलेक्शन का एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है। इसमें हर गाड़ियों के नंबर को एक कार्ड मिलता है, जिससे एक बैंक अकाउंट लिंक रहता है। जब व्हीकल टोल गेट पर पहुंचता है, तो उनके फास्ट टैग को RFID यानी कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से स्कैन किया जाता है, और फिर इस फास्ट टैग से लिंक्ड अकाउंट से
टोल टैक्स का अमाउंट अपने आप डिटेक्ट हो जाता है। दोस्तों फास्टैग सिस्टम पर साल 2010 में ही काम शुरू हो गया था और साल 2014 में इस टेक्नोलॉजी को मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर ट्राई किया गया। साल 2016 के एंड तक पूरे देश के 70% टोल प्लाजा पर फास्टैग सिस्टम लागू हो चुका था और 2019 के एंड तक देश में फास्टैग को कंपलसरी कर दिया गया। नो डाउट ये रिफॉर्म काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा। इवन इस साल जून में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक फास्टैग के कारण टोल टैक्स का डेली कलेक्शन बढ़कर 143 करोड़ पहुंच गया है। लेकिन दोस्तों इस सिस्टम में भी कुछ ऐसी खामियां हैं जिनकी वजह से आम लोग और सरकार दोनों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज फास्टैग के कारण टोल गेट के सामने आए हर एक व्हीकल से टैक्स अमाउंट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाता है और ये टैक्स अगले टोल प्लाजा तक वैलिड होता है। ऐसे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन लोगों को होती है जिन्हें हाईवेज पर सिर्फ थोड़ी ही दूरी तय करनी होती है, क्योंकि ऐसे केस में उन्हें भी पूरा टैक्स देना पड़ता है। इसके अलावा फास्टैग में यूज होने वाली RFID टेक्नोलॉजी के चलते व्हीकल को टोल गेट से गुजरना ही होता है, लेकिन कुछ लोग टोल गेट के साइड से बिना टैक्स दिए ही निकल जाते हैं। यानी फास्टैग के होने पर भी टैक्स में चोरी पूरी तरह बंद नहीं हो पाई है और इस तरह सरकार को सीधा सीधा नुकसान हो रहा है। दोस्तों फास्टैग के कुछ फायदे हैं तो वही कुछ नुकसान भी हैं। इसलिए गवर्नमेंट का कहना है कि अब इस सिस्टम को भी रिप्लेस किया जाएगा GPS सिस्टम से। आर सर्चिंग फॉर टू ऑप्शंस, वन इज सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम। कुछ सालों में फास्टैग की तरह इस प्रोसेस को भी कंपलसरी कर दिया जाएगा। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये GPS सिस्टम है क्या और ये फास्टैग से बेहतर कैसे हो सकता है। दोस्तों GPS बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम के अकॉर्डिंग हर व्हीकल में एक GPS मॉड्यूल लगाया जाएगा। इस मॉड्यूल में गाड़ी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होंगी, जैसे कि व्हीकल ऑनर का नाम, गाड़ी का नंबर, पोल्यूशन स्टेटस और ट्रैफिक पेनल्टीज वगैरह वगैरह। ये सारे इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के सर्वर से लिंक्ड रहेंगे, जिससे किस टाइम पर वो व्हीकल कहाँ था और अभी वो करंटली कहाँ चल रहा है, उसने कितनी दूरी तय की है, ये सारा डेटा उस GPS मॉड्यूल की हेल्प से गवर्नमेंट तक जाता रहेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जब भी कोई व्हीकल हाईवे पर ट्रैवल करेगा तो उसने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसी डिस्टेंस के हिसाब से उस व्हीकल से टोल टैक्स लिया जाएगा और इसीलिए ये GPS बेस्ड सिस्टम फास्टैग सिस्टम से बेहतर होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि फास्टैग में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है और मैंने वीडियो में बताया भी था कि फास्टैग सिस्टम में लोगों को कम दूरी तय करने पर भी पूरा टैक्स देना पड़ता है, लेकिन GPS बेस्ड टोल सिस्टम के आने के बाद सभी व्हीकल ऑनर्स को ये फायदा होगा कि वो फिजूल का टैक्स देने से बच सकेंगे। लेकिन दोस्तों फिर भी इस सिस्टम में कुछ ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से हमें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों देखा जाए तो फास्टैग काफी अफोर्डेबल है, बेहद कम दाम में हम इसे अपनी गाड़ियों में इंस्टॉल कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि फास्टैग कार्ड बस एक स्टिकर है और इन्हें ऑपरेट करने के लिए किसी बैटरी या दूसरी पावर सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ स्कैनर की मदद से इस RFID कार्ड को स्कैन कर लिया जाता है, लेकिन GPS बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम में जो मॉड्यूल या डिवाइस यूज किया जाएगा उसे इंस्टॉल करवाना फास्टैग के मुकाबले थोड़ा एक्सपेंसिव होगा। साथ ही शुरुआत में ज्यादा उम्र के लोगों के लिए GPS बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम जैसी टेक्नोलॉजी को समझना थोड़ा मुश्किल होगा। इसके अलावा इस नए सिस्टम में सरकार के लिए भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। जैसा कि फास्टैग में अगर कोई गड़बड़ी होती है तो लोगों को कैश में पेमेंट करना ही पड़ता है और तभी वो आगे जा पाते हैं, लेकिन अगर GPS बेस्ड सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई और सही डेटा पहुंचने में गड़बड़ी होने लगी तो ये गवर्नमेंट और व्हीकल ऑनर दोनों के लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत हो सकती है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि GPS बेस्ड टोल सिस्टम के अलावा एक और रिफॉर्म जिस पर काम किया जा रहा है वो है ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर। जी हाँ दोस्तों, फास्टैग के आने के बावजूद भी टोल प्लाजा को कैमरा टेक्नोलॉजी से रिप्लेस किया जा सकता है। इसमें कैमरों की मदद से नंबर प्लेट को रीड किया जाएगा, जिससे व्हीकल ऑनर के बैंक अकाउंट से टोल टैक्स का अमाउंट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया जाएगा। दोस्तों इस सिस्टम में लोगों को अपनी गाड़ियों में कंपनी फिटेड नंबर प्लेट्स लगवाने होंगे जो आज के नंबर प्लेट्स से थोड़े अलग होंगे, और अगर इसके रिजल्ट पॉजिटिव आए तो हो सकता है कि GPS सिस्टम की जगह इसे लागू कर दिया जाए। अब रही बात GPS बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर की, तो ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि आने वाले कुछ सालों में हमें कैसी कैसी नई और एडवांस टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। बाकी दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि UPI सिस्टम ने भारत की कैसी तकदीर बदल दी तो आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही।